दोस्तों आज हम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की जीवन यात्रा के बारे में बात करेंगे। एक महान व्यक्ति जिन्हें परिचय की कोई जरूरत नहीं। आर्नोल्ड की कहानी सबसे प्रेरणादायक है और यह कहने का एक आदर्श उदाहरण है कि सपने हकीकत में बदल जाते हैं अगर आप उनके लिए सही काम करते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कड़ी मेहनत पर एक कहानी बताने जा रहे हैं जो जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको मदद करेगी। दोस्तों आर्नोल्ड ने जिस भी फील्ड में कदम रखा उसमें कामयाबी हासिल की क्योंकि वो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में लगे बेल आइकन वाले घंटे को भी दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आर्नोल्ड एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और एक पूर्व बॉडी बिल्डर है जो एक समय पर अपनी शानदार बॉडी के लिए पूरे विश्व में जाने जाते थे। फिर फिल्मों में आने के बाद वो अपने टर्मिनेटर के रोल के लिए काफी लोकप्रिय हुआ और बतौर ट्रैक्टर अपनी एक और पहचान बनाई। आर्नोल्ड के आज भी लाखों करोड़ों फैंस हैं जो उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। आर्नोल्ड आज उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जिस पर पहुंचना तो दूर की बात बल्कि उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 30 जुलाई 1947 को पैदा हुए आर्नोल्ड गुस्ताव श्वार्ज़नेगर और ऑरेलिया जर्डनी श्वार्ज़नेगर के दूसरे सुपुत्र थे। आर्नोल्ड मूल रूप से ग्राज ऑस्ट्रेलिया से हैं जहां उनके पिता लोकल पुलिस चीफ थे और वे चाहते थे कि आर्नोल्ड भी पुलिस फोर्स या मिलिट्री में शामिल हो। लेकिन वो सेना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो उनका सपना नहीं था। इसलिए उनके पिता आर्नोल्ड के बड़े भाई मैन हार्ड को प्राथमिकता देते थे। आर्नोल्ड के लिए बचपन एक दुस्सौपन से कम नहीं था क्योंकि उनके पिता उन्हें शारीरिक प्रताड़ना देते थे जैसे उनके बालों को खींचना और बेल्ट से पिटाई करना। इन परिस्थितियों ने आर्नोल्ड को जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाने के लिए मजबूर किया और उनका यह उद्देश्य था कि वे अमीर होकर जीवन में कुछ प्राप्त करें। आर्नोल्ड को बचपन से ही स्पोर्ट्स से काफी ज्यादा लगाव था और वह अक्सर फुटबॉल खेला करते थे। आर्नोल्ड शुरुआत में बॉडी बिल्डर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और उनको सिर्फ अपने खेल से ही मतलब हुआ करता था। लेकिन जब वह 14 साल के थे तब उनको अपने स्कूल के सोकर कोच के साथ जिम जाने का मौका मिला। जिम में पहली बार डंबल किया तभी से ही उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करने का फैसला कर लिया। वो स्पोर्ट्स में तो पहले से ही अच्छे थे इसलिए उनको जिम करने में कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता था और उनका शरीर डेवलप होने लगा और कुछ ही समय में बॉडी बिल्डिंग में महारत हासिल कर ली। आर्नोल्ड को जिम से इतना प्यार हो गया था कि वो वीकेंड पर जब जिम बंद होती तब भी वो जिम जाते थे ताकि वो ठीक से ट्रेनिंग कर सके। आर्नोल्ड ने एक बार कहा था कि जब मैं वर्कआउट छोड़ता हूँ तो बीमार बन जाता था। एक बार उन्होंने एक विशाल और महान बॉडी बिल्डर रेक पार्क का फोटो एक मैगजीन कवर पर देखा था। वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी पूरी कहानी पढ़ी कि वह कैसे एक बॉडी बिल्डर बने और फिर बॉडी बिल्डर से अभिनेता में बदल गया। जब वो जीवन को गंभीरता से लेने लगा और सबसे बड़ा और सबसे अमीर बॉडी बिल्डर बनने का मजबूत दृष्टिकोण रखने लगा। इसको वास्तविकता में बदलने के लिए आर्नोल्ड को पता था कि उनका अमेरिका जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी 18 वर्षियों के लिए ऑस्ट्रेलिया में सेना की सेवा करने की आवश्यकता होती है और आर्नोल्ड ने भी ऐसा ही किया था। इसके साथ ही वो बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे और जूनियर मिस्टर यूरोप प्रतियोगिता जीती। 1966 में चार्ल्स बेनर ने आर्नोल्ड के शरीर से प्रभावित होकर अपने लंदन के जिम में आर्नोल्ड को प्रशिक्षित करने का फैसला किया। ये वास्तव में आर्नोल्ड के लिए जिंदगी बदल देने वाला अनुभव था। आर्नोल्ड ने 1967 में 20 वर्ष की उम्र में अपनी पहली बार मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता जिससे उन्हें उस खिताब का सबसे कम उम्र का प्राप्तकर्ता बनाया गया। रीट केरेसिन और बिली ग्राहम जैसे पेशेवरों के साथ प्रशिक्षण लेते हुए आर्नोल्ड ने 23 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में अपना पहला मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता था जो आज भी रिकॉर्ड में है। फिर वो वापस नहीं लौटे और उन्होंने 7 बार ये टाइटल जीता। 1971 में आर्नोल्ड के भाई मैन हार्ड की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई। उन्होंने मैन हार्ड के 3 साल के लड़के की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी और उसको US भी भेजा। बॉडी बिल्डिंग का सपना करने के बाद उनका अगला सपना था एक्टिंग जिसकी शुरुआत हुई हरक्यूलिस न्यूयॉर्क फिल्म से। उसके बाद उन्होंने द लॉन्ग गुड बाय, स्टे हंग्री जैसी फिल्मों में काम किया। स्टे हंग्री के लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर न्यू स्टार ऑफ द ईयर मिला। इसके बाद भी वो कई फिल्मों में नजर आए। उनके एक्टिंग करियर में ब्रेक थ्रू आया कॉनन द बारबेरियन फिल्म से। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा हिट साबित हुई और शायद यही उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद वो दुनिया के सुपर एक्टर्स में गिनने जाने लगे।
द टर्मिनेटर की बड़ी सफलता के बाद आर्नोल्ड उस समय बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो बन गए। इसके बाद वो कमांडो, रोल डी, द रनिंग मैन, प्रीडेटर और रेड हेड जैसी फिल्मों में नजर आए और खुद को एक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया। इन फिल्मों के बाद उनका सुपरस्टार बनने का सपना भी पूरा होगा। यह उनकी मेहनत और परिश्रम का ही फल था कि वो जिस भी क्षेत्र में कदम रखते थे उसमें सफलता हासिल करते। आर्नोल्ड के लिए सिर्फ बॉडी बिल्डिंग और अभिनय की दुनिया को जीतना मकसद नहीं था। फिर उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 1990 से 1993 तक फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स पर प्रेसिडेंस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई। 7 अक्टूबर 2003 को आर्नोल्ड को कैलिफोर्निया के गवर्नर के रूप में 14 लाख से भी अधिक वोटों से चुना गया, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। ऐसा कहा जाता है कि आर्नोल्ड ने अपने गवर्नर के वेतन को स्वीकार करने के लिए मना कर दिया था और कैलिफोर्निया की सेवा के साथ कोई वेतन नहीं लिया। उन्होंने एक बार कहा था, आप जीतने के लिए पैदा हुए, लेकिन एक विजेता होने के लिए आपको जीतने की योजना बनाने के साथ साथ जीतने की तैयारी करते रहना चाहिए और जीतने की उम्मीद रखनी चाहिए। आर्नोल्ड सबसे बड़े और अच्छे बॉडी बिल्डर हैं और हमेशा रहेंगे। वो कड़ी मेहनत के प्रतीक है। दोस्तों, हमें आर्नोल्ड के जीवन से सदा आगे बढ़ने की सीख लेनी चाहिए। अगर आप भी आर्नोल्ड के फैन हैं और इनके वीडियो से इंस्पायर हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर जरूर करो और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो दिखाएं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो किसके ऊपर बनाएं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका